कैसे कैसे जुगाड़ किया है, इनको लगाने की जगह नहीं थी, कैसे लगाते। इसे बाद में मैं कहीं और दूसरी जगह भी मूव कर सकती हूँ। हमारा खंबा रेडी हो गया। और हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आले मध्य प्रदेश से आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। लो जी, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने छत में, आप लोगों को अपना एक जुगाड़ भी दिखाऊंगी। ये देखिए जी, गर्मी में इतने जो हार्डी प्लांट हैं वो भी इस तरह से जल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है और ये पूरे इस तरह से जल गए हैं। बुरा हाल है, इतनी तेज धूप, इतनी तेज गर्मी कि बस आप अंडा फोड़ के फर्श में डाल देंगे तो ऑमलेट बन के तैयार हो जाएगा। गुड़हल तो ऐसा प्लांट है कि गर्मी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन फिर भी कलियां जल जाती हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और आप धूप देख लीजिए, इतनी तेज धूप। गार्डनिंग में ना हर मौसम के हिसाब से थोड़ी बहुत तो समस्याएं आती ही आती हैं। यहाँ मेरे पेंसिल हिबिस्कस देखिए, कितनी सारी कलियाँ निकली थी, ये सारी की सारी जल गई हैं, ये धूप से जली हैं ये। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैंने क्या जुगाड़ किया है, वही दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हमने क्या जुगाड़ किया है, ये देखिए जी, मैंने ये ग्रीन नेट लगा दिया है। मई जून की तपती गर्मी में मेरे प्लांट्स को राहत मिलेगी। नेट को लगाना तो मैं बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा था। समस्या, इनको लगाने की जगह नहीं थी, कैसे लगाते। अब हमने क्या किया, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ हमारा जुगाड़। जो इस तरह के जो ये हैं, देखिए इतने छोटे छोटे से हैं, 2 फीट के हैं, इसमें हमने इस तरह बल्लियों को लगाया है और ये इस तरह से बांधता है। नीचे यहाँ कॉलम था तो हमने बल्ली को सेट कर दिया। ये यहाँ पे अब ऐसा है, नई जगह में थोड़ा सा समस्या होती है, हमें सामान अवेलेबल नहीं होता है, तो इसमें करके इसको ऐसे डबल। अब इतनी बड़ी बड़ी बल्ली और बांस नहीं मिलती है, तो ये ऐसे किया है। और एक और जुगाड़ आप लोगों को दिखाती हूँ। अब जहाँ कॉलम नहीं था तो हमने क्या किया, मैंने इस डब्बे में सीमेंट भर के इस तरह की ये बल्ली को गाड़ दिया है, तो ये एक हमारा खंबा रेडी हो गया और हमने इधर पे इसको इस तरह से बांध दिया है। तो इस तरह से जुगाड़ लगाया है, यहाँ पे भी इस तरह से बल्ली को इसमें ऐसे बांध दिया है और ये यहाँ पे हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया है। ये प्लांट्स मेरे बच जाएंगे, इतने एरिया में मैं अपने सारे प्लांट्स को सेट कर दूंगी। इसमें मेरे बेटे ने हेल्प की है, इसको करवाने में ये किया है। अब यहाँ के सारे प्लांट्स मैं इधर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने भाजी लगाई थी, ये देखिए सारे जर्मिनेट हो गए हैं। ये इसमें लाल भाजी है और ये ग्रीन भी है इसमें कुछ, तो ये इस तरह से। और ये मैंने थर्माकोल के डब्बे में किया है। ये देखो जी भाई साहब को, देखिए जी। तो जी, मेरा छत तो हो गया है प्लांट्स के लिए रेडी। तो जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, कल शाम को हम दोनों माँ बेटे ने मिलके ये नेट लगा लिया था। देखा जाए तो ये परमानेंट नहीं है और एक टेम्प्रेरी जुगाड़ है। कैसे कैसे जुगाड़ किया है मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। इस चिलचिलाती गर्मी में मेरे प्लांट्स एकदम मरनासन हो गए थे, तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है अपने प्लांट्स को सिर्फ बचाना, गार्डन को डेकोरेट करना नहीं है। और करना भी यही चाहिए, जब बहुत तेज़ धूप हो तो अपने पेड़ पौधों को बचाना सबसे पहले ज़रूरी होता है, ना कि गार्डन डेकोरेट करना। जिनके पास में अपना खुद का प्रॉपर छत है तो वो परमानेंट लोहे का फ्रेम बना के इसमें पूरा सेट कर सकते हैं। मेरा देखिए अभी थोड़ा ये झूला झूल रहा है, क्योंकि कुछ सपोर्ट के लिए नहीं है, टाइट नहीं कर सकते। अब ये सारे जुगाड़ तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ, तो थैंक गॉड आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना कि मेरे जो ये हैं पेड़ पौधे, सच कहूँ तो मेरे बच्चे हैं ये, आज इनको बहुत राहत मिलेगी, तो बहुत खुश हूँ।
नेट के नीचे भी झुंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेट कर दिया है और यहाँ ऐसे झुंड बना के पूरे ऐसे रख दिया है, तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ यूं ही करेला डाल दिया था, करेले के बीज घर में सब्जियाँ आई थी उसके सीड्स डाल दिए थे, और देखो कितने अच्छे से जर्मिनेट हो गए। और ये देखो जी बीन्स, तो ये यहाँ चलता रहेगा। बोगनवेलिया धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इनको ऐसे ही रख दिया मैंने यहाँ पे। जो पानी डालती हूँ ना, इतना डालती हूँ कि 2-4 घंटे पानी जमा रहे, तो इनको भाप से भी राहत मिलती है। तो कुल मिला के जी दोस्तों ऐसा है, सारा वहाँ से खाली कर दिया। तो जी बताइएगा दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और स्पेशली मेरा जुगाड़, ये सारा जुगाड़ से किया हुआ है। फिंगर क्रॉस आंधियों में ये टिक जाए, हमने मजबूती से तो किया है सारा, बस टिक जाए। आज यहाँ पे आंधी बहुत चलती है, और आप लोग भी यदि फ्रेम नहीं बनवा सकते हैं तो इस तरह से प्लास्टिक के डब्बों में खंबे वगैरह जो बल्लियाँ होती हैं सीमेंट से भर के ऐसे खंबे तैयार कर सकते हैं। मैंने ये देखिए ऐसे खंबा तैयार कर लिया है, इसे बाद में मैं कहीं और दूसरी जगह भी मूव कर सकती हूँ। दो फायदा हो जाएगा कि जब बाद में इसको मैं हटा के कहीं और डेकोरेट कर सकती हूँ। मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।